व्हाट इज़ अप यूट्यूब। तो फाइनली आज वेनसडे है और आज मैं बैक एंड बाइसेप ट्रेन करने वाला हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, हर टाइम मेरा मूड होता है ना शूट करने का, तब चेस्ट शोल्डर होता है और चेस्ट शोल्डर में बहुत बार ट्रेन करता हूँ। बहुत बार मतलब वीडियोस में जब भी वीडियो डालते हो उसमें चेस्ट और शोल्डर ही होता है, तो इसलिए मुझे आज बैक और बाइसेप ट्रेन करना है और आज वेनसडे भी है तो मेरा मूड भी है। तो यही बात थी कि हर टाइम वही चेस्ट एंड शोल्डर कितने वीडियोस में डालूँ, तो आज बैक एंड बाइसेप करने वाला हूँ। और एक बात, मैंने मेरे बल्क के लिए 1 मंथ ऐड किया है, तो उतना बड़ा चेंज नहीं मिलने वाला 5 kg से। बड़े मसल मास मुझे 1 to 2 kg में मिलता है तो भी मैं सेटिस्फाई हूँगा, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा साइज मिलेगा मसल में। तो वही बात है, और मैं 100% श्योर हूँ कि जो मेरी लास्ट फिजिक थी उससे मैं अभी बेहतर लगने वाला हूँ। वही मुझे चाहिए, यही एक प्रोसेस है। और ये पूरी डाइट वगैरह पूरा सब वर्कआउट ये मैं खुद से करता हूँ, ना किसी को पूछ के ना किसी से गाइडेंस लेके, सब खुद से। बट यस, मैं बड़े बड़े एथलीट्स को देखता हूँ और उनके आइडियाज़, मतलब वो किस हिसाब से वर्कआउट और किस हिसाब से डाइट, उनका ट्रेनिंग शेड्यूल कैसा होता है वो सब देखता हूँ, उनसे इंस्पायर होके मेरी चीज़ों में ऐड करता हूँ। बट सेम टू सेम नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर अलग रहता है, मेरा भी बॉडी स्ट्रक्चर सबसे अलग है, तो उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ता है, उस हिसाब से डाइट लेनी पड़ती है। तो आप भी अगर कर रहे हो तो किसी का कॉपी मत करो, क्योंकि उसका कॉपी करके आपकी बॉडी नहीं होने वाली। आप देखो, समझो बॉडी बिल्डिंग को, बॉडी बिल्डिंग क्या होती है, तो वो सब आपको समझना पड़ेगा। पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट करो। वो लास्ट कट जो मैंने किया था वो एक एक्सपेरिमेंट था। अब वही चीज़ें मैं इस कट में अप्लाई करूँगा और जो भी दूसरे चीज़ रहेंगे वो भी इसमें ऐड करूँगा, जो मैंने नया कुछ सीखा है वो। बस यही, और अभी जाऊँगा जिम। अभी बजे है 5:30, 6:30 जिम जाने वाला हूँ। अभी कुछ प्री वर्कआउट लेता हूँ और मिलता हूँ जिम में बाइक एंड बाइसेप के साथ। बाय।
in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? तो बेसिकली ये वीडियो मैं बल्क के ऊपर बना रहा हूँ, मतलब अभी मैं मेरा बल्क एंड करने वाला हूँ, तो बस उसी के ऊपर है। तो जो भी रिज़ल्ट होगा बल्क का वो मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखो। और इस बल्क में और एक चीज़ सीख चुका हूँ कि ओनली प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स यही चीज़ें नहीं, तो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग वर्कआउट हम जो पसीना बॉडी में से निकलते हैं हमारा, उसमें से काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं, मतलब एनर्जी लेवल्स वो सब घट जाते हैं। वाइज तो जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमें इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसलिए मेरे पास एक सप्लीमेंट है, उसमें आपको फ्लेवर्स आएंगे जो मैं इधर डालूँगा, क्योंकि बहुत फ्लेवर्स है। और मेरे पास है ब्लूबेरी, तो मैं वो दिखाऊँगा आपको, ये है प्रोडक्ट। एक मिनट। ओके, सो ये है प्रोडक्ट फास्टनर प्रीलोड, इट इज़ अ सर्टिफाइड इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक for instant hydration and energy. When you sweat, just water is not enough, as you lose your essential electrolytes and salt from the body. So you need to replenish these lost electrolytes with the help of hydration supplements like Fast Enough Reload. This आपको help होगी, reduce fatigue, relieves from muscle exhaustion and soreness. और ये सिर्फ जो जिम वर्कआउट करते हैं उनके लिए नहीं, आप अगर फुटबॉलर हो, क्रिकेटर हो, साइकिल चलाते हो, साइकिलिंग करते हो, रनर हो, तो आपके लिए भी है। तो देखो, आप ट्राई करो, इसमें आपको फ्लेवर्स मिलेंगे, बहुत फ्लेवर्स है। मेरे पास ब्लूबेरी है, तो इसमें आपको मिलेगी टैबलेट, वो वाटर में डालो और 1 मिनट के लिए मेल्ट होने दो, उसके बाद पियो, टेस्ट भी अच्छा लगेगा। तो अगर आप अभी सोच रहे हो ऑर्डर करने का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक के ऊपर जाओ, फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट या FUP सुजीत कोड यूज़ करना, उससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। और मंगाओ, पियो और बॉडी बनाओ। बाय।
I've never been exposed like this before. I'm gonna shut you out. I've always had a way of keeping closed. Been in hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're finding I've been too much on your plate, I'll keep hiding. ओके सो फाइनली आज बल्क एंड होने जा रहा है और आज का लास्ट डे है बल्क का. उससे पहले मैं एक बात बता दूँ, बाल मैंने छोटे कर रखे हैं, बस ऐसे ही मेरा मूड हुआ इसलिए. और एक्चुअली मेरा प्लान था कि एंड ऑफ बल्क वीडियो में आपको मैं मेरा लास्ट डे जो होगा उसमें जो भी मैं फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो दिखाने वाला था, जो भी मैं दिन भर में करने वाला था लास्ट डे का वर्कआउट वगैरह वो सब कुछ मुझे दिखाना था, बट वैसा हुआ नहीं. और ये वीडियो भी बहुत पहले ही आनी चाहिए थी, बट बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं की और वर्कआउट भी मैं शूट नहीं कर पाया, तो इसलिए आपको वो वीडियो नहीं देखने मिलेगी. बट कोई बात नहीं, जो भी वीडियो थी बस इतनी ही थी. और जो भी एडिटिंग वगैरह एंगल वगैरह जो भी मैंने लिए वो मैं बस सीख रहा हूँ, उतनी भी अच्छी अभी वीडियो में नहीं बना था, बट ठीक है धीरे धीरे सीखूँगा. जैसे बॉडी भी बनती जाएगी वैसे वीडियो भी अच्छी आती जाएगी, वीडियो एडिटिंग भी करने अच्छी आती जाएगी. सही बोल रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, बट कोई भी बात नहीं. मेन टारगेट था मेरा 70 kg स्टार्टिंग से, जब मैंने बल्क स्टार्ट किया था उसके बाद मैंने 75 kg रखा, वो मैंने कैंसिल किया बाद में. कैंसिल मतलब उसमें और कैलोरीज मुझे खाने थे और वो नहीं पॉसिबल हो रहा था क्योंकि पहले मैं बहुत सारा खाना खाता था और वापस उसमें ऐड करना मतलब थोड़ा ज़्यादा हैवी हो रहा था, तो वो मैंने कट कर दिया. बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर मेरा प्लान है 80 to 85 kg और वो 100% हम अचीव करेंगे, मतलब मैं. और अभी जो वेट है 70 kg और बहुत टाइम हुआ मैंने मेरे ऐप्स भी नहीं देखे, वेंस वगैरह अभी तो कुछ भी नहीं दिखता, तो वो मुझे वापस से देखना है, मेरे श्रेडेड फिजिक मुझे वापस से देखनी है, तो इसलिए मैं बल्क यहाँ पे एंड कर रहा हूँ. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. अगर नहीं तो कोई बात नहीं, तो कमेंट में मुझे बताओ कि वीडियो कैसी थी, कुछ भी कमेंट करो आपके ऊपर है. एंड बस यही थी जो भी वीडियो थी. ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद रेगुलर वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ. सो सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो. बाय.